आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दानेदार घी बनाने की रेसिपी। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये गाय का शुद्ध देसी घी है जो हम सभी को खाना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही साथ आपको इसमें मिलेगी रेसिपी बटर मिल्क यानी कि छाछ की, वो भी एकदम घर की जो मलाईदार छाछ होती है ना, वो रेसिपी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं एक हुई हूँ अपने ससुराल और अपनी सासू माँ से मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि घर पर शुद्ध तरीके से घी किस तरीके से निकाला जाए। इसमें ना तो हम किसी मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करने वाले हैं, ना ही हम कोई हैंड बीटर का यूज़ करने वाले हैं। एकदम देसी तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमने घर में दानेदार घी किस तरीके से बनाया। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। जिस हालात में हम लोग हैं प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमने एकदम मॉर्निंग में उठ के ही वो वीडियो शूट किया था। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए ये देसी तरीका आपको कैसा लगा। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मम्मी जी से सीखते हैं कि किस तरीके से मम्मी जी हमको बताएंगी कि कैसे हम मलाई से मक्खन निकालते हैं और फिर मक्खन से घी निकालेंगे, और साथ ही में जो बचेगा उसको हम छाछ की तरह यूज़ कर लेंगे। तो मीन्स कुछ भी वेस्टेज नहीं होगी और बहुत ही परफेक्ट बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। तो चलिए सीखते हैं, बताइए मम्मी जी क्या तरीके से। मलाई को इकट्ठा कर लिए 4-5 दिन या 6 दिन, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को उसको दही डाल करके रात भर छोड़ दिए, जम गई, ठीक है। फिर सुबह उसको मतलब मट के छोरी से फिर इसको दही एकदम जम गई है ये, हाँ ये अच्छा एकदम। अब इसको इस तरह से ऐसे 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 इसको मट देंगे, ठीक है। इसको मलाई निकल जाएगी, अच्छा ऐसे ऐसे। अब देखिए मटकेन मत दी तो इस तरह से हो गई, अच्छा। अब इसको मटते मटते और इसमें हमें कितना टाइम लग जाता है मम्मी जी निकालने में? इसको निकालने में कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन शुद्ध बनेगा, अच्छा। ये गाय के घी का है, इसीलिए आप देख सकते हैं कि येलो कलर का है। डोंट थिंक कि ये कि मतलब पीला, हमने ज्यादा दिन की मलाई रखी है इस वजह से हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये गाय के दूध का है, मलाई है, हाँ, गाय की नहीं है इसमें, हाँ। तो इसीलिए ये येलो कलर का है और इसका जो घी निकलता है वो भी बहुत ही अच्छा निकलता है। मैं अभी आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया घी निकलेगा इसका, और आप देख भी सकते हैं बस अब निकलना स्टार्ट हो ही गया है ये। देखिए ये मक्खन ने आना स्टार्ट हो गया है, और अभी तक हमने इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किए हैं, तो पानी कब ऐड करना होता है हमको? हम जब पूरे निकल जाएंगे तब, देखिए आना शुरू हो गया, हाँ देखिए मक्खन निकल गया, कितना बढ़िया मक्खन निकला है। जब मक्खन निकलेगा निकल भी छोड़ दिया, हाँ। छोड़ दिया, देखिए पानी थोड़ा सा ऐसा, देखिए ये देख वो करिए, ये देखिए पानी छोड़ दिया है इसने ना, और ये मक्खन निकलना स्टार्ट हो गया है। जब पानी छोड़ दे तभी पानी डालना है, अच्छा। उसके पहले डाल दिया तो फिर क्या होगा? नहीं तो निकलेगा ही नहीं, नहीं। अच्छा जल्दी नहीं निकलेगा, मेहनत ज्यादा लगेगा, अच्छा। ये मलाई देखिए, हाँ चिपक जाता है इसलिए नहीं चिपका है, भैंस का होता तो चिपक जाता, हाँ।
ये घी हल्का होता है। अच्छा, ये आप देखिए कितना बढ़िया मक्खन निकला है। और ये जो पानी मम्मी जी ने रखा है ये किस लिए रखा है मम्मी जी? धोने के लिए। पनीर भी बना सकते हैं, इसमें नमक जीरा डाल के पी भी सकते हैं, लेकिन ये वाला जो है वो पीने में ज्यादा अच्छा लगता है। मिक्सर ग्राइंडर में जो है वो केवल ये पीस जाएगी। हाँ, इसमें जो ये है इसमें नहीं पीसा है, मतलब ये अच्छा लगता है। हाँ, ये पीने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ये, इसकी मतलब की मलाई जो है। हाथ में चिपकती नहीं जा। अच्छा, और पानी आपने नॉर्मल लिया था तो ये क्या मतलब मौसम के अनुसार होता है पानी लेना या फिर मतलब नॉर्मल ही लेते हैं? गाय के दूध में, गाय के मलाई में नॉर्मल ही लेते हैं, भैंस के में थोड़ा गर्म पानी। अच्छा, कि ठंड है तो गर्म पानी और गर्मी है तो ठंडा पानी, और गाय के में नॉर्मल ही लेना है। देखो तुम्हारे सामने बना है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मक्खन बहुत अच्छा निकल गया है, साथ ही में ये जो छाछ निकली है ना, आई जस्ट लव दिस, आपको भी बहुत पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से। अब मैं यहाँ पर गैस पर जो मक्खन हमने निकाला था उसको रखने जा रही हूँ, और अब हम घी को पकने देंगे लगभग 15 मिनट तक। 15 मिनट के लिए आप इसको फ्लेम पर रख दीजिए, स्टार्टिंग के 5 मिनट आपको हाई फ्लेम पर रखना है, एंड देन उसके बाद आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट तक पकने दीजिए। जब आप देखेंगे कि 10 मिनट के बाद घी निकलना स्टार्ट हो गया है, उस स्टेज पर आपको फ्लेम ऑफ कर देना है, और बार बार करछुल नहीं चलाना है, केवल एक बार स्टार्टिंग में चला दीजिए और बीच में एक बार और चला दीजिए। उसके बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि मक्खन से जो हमारा घी है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। लुक एट दिस, कितना बढ़िया घी निकला है। अभी आपको शायद ये ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पक गया है, लेकिन जो इसका एंड रिज़ल्ट है वो आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ। आपने देखा था कितना बढ़िया दानेदार घी बनकर तैयार हुआ था। तो जब घी बन गया था हमने फ्लेम ऑफ कर दी थी, फ्लेम ऑफ करने के बाद हमने घी ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि हम एक प्लास्टिक कंटेनर में फ्रिज कर रहे हैं तो घी ठंडा हो जाए। उसके बाद आप एक स्ट्रेनर इस तरीके से अपने किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं, एंड देन उसको छान कर अपने डिब्बे में भरकर स्टोर कर सकते हैं। और ये लगभग हमारा 300 से 400 ग्राम घी बनकर तैयार हो गया है केवल 6 दिन की मलाई से। घी को मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था 6 से 7 घंटे के लिए। मौसम अभी थोड़ा ठंडा है तो जल्दी से घी हमारा जम गया, और अब आप देख भी सकते हैं कि घी कितना बढ़िया निकला है। ये वही घी है और ये बहुत ही बढ़िया येलो कलर का है, क्योंकि ये गाय का देसी घी है, और इसके दाना आप देख सकते हैं, आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एकदम दानेदार घी बनकर तैयार हुआ है। जो टिप्स मम्मी जी ने आपके साथ शेयर की हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही बढ़िया दानेदार घी बनकर तैयार हो जाएगा। उसी के साथ में जो बचा हुआ था मिल्क, उसकी सहायता से अब मैं बनाऊंगी बटर मिल्क यानी कि छाछ, क्योंकि जैसे कि आपको इतना ज़्यादा मलाईदार होता है। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक, उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी शुगर लाइट यानी कि चीनी। तो मैं यहाँ पर केवल 1 से 1.5 स्पून मैंने शुगर ऐड की है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर, एंड दैट्स इट। सभी को आपस में मिक्स कर लीजिए और केवल 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए ताकि चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, और आपकी ये बटर मिल्क बिल्कुल तैयार है। इस तरह से अगर आप छाछ बनाते हैं ना, यू विल जस्ट लव दिस, बहुत ही मलाईदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और आपको पीकर ना मजा आए तो बता दीजिएगा। अभी देखिए मैं इसको ग्लास में कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं जो मलाई है ना किस तरह से गिलास में आ रही है, मतलब पीकर ना मजा आए तो बताइएगा। तो इस तरह से आपका बटर मिल्क भी तैयार हो जाता है और आपका घी भी इतना बढ़िया निकल कर तैयार हुआ है। तो इस बात पर एक लाइक तो बनता है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। कीजिए मम्मी जी कैसा बना है? इसमें जीरा डालो। अच्छा, जीरा वैसे डाला था, चलिए और चलिए टेस्ट कीजिए। लो पहले तुम टेस्ट करो। क्यों, आपको अच्छा लगता है ना? लो चलिए कीजिए। अभी
वाह क्या है टेस्ट, अरे वाह क्या टेस्ट है।